फर्जी कॉल सेंटर में लड़कियों के साथ मारपीट। फर्जी चिट फंड कंपनी के नाम पर लड़के लड़कियों को नौकरी का लालच देकर शोषण। यूपी के गोरखपुर जिले से पुलिस ने जिस आरोपी तिलक सिंह को गिरफ्तार किया है वो मुजफ्फरनगर कॉल सेंटर कांड का मुखिया है। नारंगी रंग की टी शर्ट में मुंह पर काला कपड़ा ढके ये शख्स कई सौ लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार है। मुजफ्फरनगर में एक गिरोह डीवीआर नाम की फर्जी मार्केटिंग कंपनी बनाकर सोशल मीडिया पर नौकरी देने का पोस्ट डालता था, जिसमें लिखा जाता था आप इस कंपनी में जॉब करने के इच्छुक हैं तो संपर्क करें, मोटी सैलरी दी जाएगी। झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज हैं। और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है, जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं तो वो सब लोगों जो बेरोजगार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती हैं और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है, तो वही सेम चीज इस वाले केस में भी है। डीबीआर चिट फंड कंपनी का सीएमडी मनीष सिंह नोएडा का रहने वाला है। उसने दरभंगा में 2021 में डीबीआर नाम की चिट फंड कंपनी खड़ी कर दी। पुलिस ने बताया कि मनीष ने कंपनी की आड़ में कई करोड़ की काली कमाई की। कंपनी में काम करने वाली युवतियों का यौन शोषण करता था। वहीं सिटी एसपी ने बेल्ट से पिटाई करने वाला जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में भी बात की। का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का, उसमें लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, तो उस चीज को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इस कंपनी के जो एमडी हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की, अभी तक गिरफ्तारी, इसकी गिरफ्तारी कहां से, क्या नाम है इसका, जिसके हम लोगों ने गिरफ्तारी की, इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी की। हम लोगों ने दो तीन बार हम लोग रेड कर चुके हैं उस ब्रांच पे, उस ब्रांच में जितने भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर जितने भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मिली हैं, उसको हम लोगों ने सबको सीज किया है। जितने भी वहाँ पे लड़के थे 70-80 लड़के अभी हमको मिले हैं उस ब्रांच में, उन्होंने हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी का स्टेटमेंट लिया है, लड़की का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है और एक अभियुक्त की हम लोगों के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेज हैं जहां पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट की पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा क्योंकि इंटर स्टेट मामला। बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितने भी ब्रांचेज हैं सारी ब्रांचेज का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे और जितने भी ब्रांचेज में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही है उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। गोरखपुर जो टीम रही है वहां से क्या, वहां से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। इस मामले में पुलिस ने डीबीआर कंपनी में जब कॉल सेंटर पर छापा मारा तब करीब 80 से अधिक युवा मौजूद थे, जिनमें से अधिकतर झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। अब इस मामले के सामने आने के बाद एनबीटी ऑनलाइन आपको फर्जी कॉल सेंटर से सावधान रहने की सलाह देता है। नौकरी जरूर करिए मगर पूरी तरह जांच पड़ताल कर, पैसों का लालच ही ऐसे कांड को अंजाम देता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।